फूड सिक्योरिटी पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल, हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर जी चंद्रशेखर और firstpost.com के एडिटर इन चीफ आर जगन्नाथन। सभी मेहमानों का शुक्रिया है। दोनों राजनीतिज्ञों से हम बात करें उसके पहले एक छोटा सा सवाल जगन्नाथन साहब आपसे, ये बिल इसी वक्त लाना है और कानून को संसद में पास कराने के बजाय अध्यादेश से लाना है, सरकार की कुछ ऐसी तैयारी दिख रही है, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी इसलिए है कि सोनिया जी चाहते हैं कि जो भी क्रेडिट फूड बिल से मिले वो उन कांग्रेस के पक्ष में पहले आए। ये हो सकता है कि कुछ गड़बड़ होने के कारण सरकार पहले गिर जाए, उसके पहले उन्हें ये डेमोंस्ट्रेट करना है कि हम ये लाना चाहते थे और अगर हमने पहले अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कह सकते हैं कि ऑपोजिशन ने इसे गिरा दिया, इसलिए उनको थोड़ी जल्दी सी है। बिल्कुल जगदम्बिका पाल साहब, आपके पास ये सवाल लेकर के आऊंगा, ये तय माना जाए कि अध्यादेश ला करके ज्यादा नंबर कमाने हैं, जबकि संसद में जाएंगे तो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, विपक्ष भी कुछ कहेगा, वो भी थोड़ा श्रेय लेने की कोशिश करेगा, कहेगा कि हम तो राज्यों में लागू कर ही चुके हैं इस तरह की स्कीमें, तो अध्यादेश के जरिए एक स्ट्रांग मैसेज देना है कि बस हम गरीबों के लिए जान दे देंगे। नहीं देखिए, आज ये परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही है, अगर देश में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई विपक्षी दल हो, सभी पार्टी के बुनियादी सिद्धांत है कि अगर उनको गवर्नेंस करने का मौका मिले चाहे राज्य सरकार में या केंद्र में तो हम लोगों की जीवन की गारंटी दें। आपको याद होगा कि 1996 में चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में एक सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति के जीवन की गारंटी उसके भोजन की गारंटी है। तो जब ये बात है, हर पार्टी का ये दायित्व है कि हम रोजी रोटी, दो जो बुनियादी जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, उसकी हम एक तरह से गवर्नेंस में गारंटी लेंगे। तो अगर आज कांग्रेस यूपीए सरकार को सत्ता में मौका मिला है, आप 14वीं लोकसभा आपने देखा कि इसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने, सोनिया जी ने कहा कि लोग पलायन हो रहे हैं, गाँव में कोई रोजगार नहीं रह गया है, इसलिए गांव में कोई उद्योग नहीं है, तो हर गांव में लोगों को रोजगार के लिए शुरू हुआ कि हम इसको कानून बना करके लोगों को राइट टू एम्प्लॉयमेंट दें। और ये शायद पहली बार हुआ कि जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, यूएन में जाकर के, यहाँ तक कि अडवाणी जी ने इसकी तारीफ की इस कानून की, और लोगों को रोजगार का, रोजी का, नौकरी का, हर नौजवान नौयुवती को आज देश में गारंटी मिला मनरेगा के माध्यम से। अगर 15 दिन में ग्राम सभा नौकरी नहीं दे सकती, काम नहीं दे सकती, तो अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड देगी। आज यूपीए 2 में अगर हम लोगों को भोजन की गारंटी दें 67% लोगों को, तो आप ये समझते हैं कि रोजी और रोटी दो ही तो किसी सरकार से जनता की अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल। तो अब इसमें विपक्ष क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा है? अगर उसको ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस को इसको श्रेय मिल जाएगा, यूपीए 3 बन जाएगी, आज ये कोई लड़ाई बुनियादी केवल राजनीतिक है। आज जो विपक्ष, मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल कर रहा है, कहा कि नहीं कर रहा है जी, कि विपक्ष क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा है। सुधांशु जी बताइए, आप क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं? आपको यही डर है कि अपने नंबर बढ़ा लेंगे चुनाव आने के पहले? ऐसा है संजय जी, कुछ चीजों के बारे में कोई मतभेद ही नहीं हो सकता। जैसा कि इस देश में किसी आदमी को भूखा ना रहना पड़े, इसके बारे में कभी मतभेद हो सकता है क्या? इस देश में हर एक को खाना मिले, मेल न्यूट्रिशन की जगह उसको पौष्टिक आहार मिले, इसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो जहां तक नीति का सवाल है, उसके बारे में किसका मतभेद है? मतभेद है नीयत पे। और मैं जब ये कहता हूं ना कि नीति के बारे में मतभेद नहीं हो सकता, तो आपको ये समझना पड़ेगा, भाजपा के शासित प्रदेशों का हाल देख लीजिए, हमने छत्तीसगढ़ में क्या करा, हमने मध्य प्रदेश में क्या करा। आज छत्तीसगढ़ में फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो तो मॉडल फूड सिक्योरिटी एक्ट माना जाता है और विश्व भर में उसकी चर्चा है और सराहना। केंद्र का समर्थन तो करना, नीति के बारे में कोई मतभेद ही नहीं है कि भाजपा के राज्यों में मैं आपने एक अच्छी व्यवस्था। हाँ हाँ, सुनिए तो सुधांशु जी, मैं बधाई देता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा जी, सुन तो लीजिए, आपने पहले मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए। चलिए ठीक है, मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए, मैं पहले पूरी बात कर लूं फिर आप जो कहना है कहिएगा, ठीक है? तो जहां तक नीति का सवाल है, नीतिगत मतभेद हो ही नहीं सकता, प्रश्न आता नियत का और आप क्या करने वाले हैं, है ना? अब आ जाइए आपकी नियत का। सरकार ने कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये सेटअप करा जी,
उस कमीशन ने क्या कहा कि पहले साल का जो है इसका खर्चा आएगा 2.4 जी। आपने बजट में क्या दिया, अगर आप कैश वो फूड सब्सिडी और जो प्रोविजंस इसका बनाएंगे तो सिर्फ 92,000 करोड़ रुपया, 2,41,000 करोड़ का खर्चा आने वाला आपकी खुद की कमेटी कह रही है, आपका खुद का कमीशन कह रहा है, लेकिन आप जो है प्रोवाइड नहीं करे बजट के अंदर, तो आप इसको क्या कहेंगे? आपका कहना है, आपका कहना है कि अच्छा प्लान है। एक सेकेंड, मॉडल एक्ट है, आपको उसके सारे प्रोविजंस क्यों नहीं लगा लेते हैं भाई? सारा व्यवस्था का प्रश्न जो है वो आपकी नियत पे और आपकी व्यवस्था जिस तरह आप चलाने की कोशिश करें उस पे है। जैसे मैंने कहा, मैंने आपका बजट में क्यों नहीं प्रोविजन आपने करा, इसके मतलब क्या है? आप सिर्फ चुनाव को देख के घोषणा करना चाहते हैं, असलियत में कुछ नहीं करना चाहते। ये इतनी चीजें अहम चीजें, तो ठीक है, इस पर महत्वपूर्ण चीजें हैं जी, इस पर इन सब चीजों पर राजनीति, इन सब चीजों पर राजनीति ना करके हमें एक देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इस पर हम जगदम्बिका जी का रिएक्शन लेंगे, लेकिन उसके पहले दोनों ही है मैम जी, उसके पहले जरा यहाँ पर हमारे साथ जी चंद्रशेखर जी हैं जो कृषि अर्थशास्त्र के बड़े भारी पंडित हैं। चंद्रशेखर जी, आपको इसमें कोई आपत्ति दिखती है क्या, ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल है, बीजेपी को भी विरोध नहीं हो सकता, आना चाहिए, लेकिन प्रोविजन नहीं किया है बजट में? नहीं, वो तो दूसरा मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारा देश में या ऐसा खराब स्थिति है कि 70% लोगों को खाना मिलने रहा है और हमें उनको एक राइट टू फूड का एक जो राइट उनको हक हम दे रहे हैं? नहीं, आई डोंट बिलीव सो। मैं समझता हूं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोन स्टैटिस्टिक्स कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं, दे गरीबी रेखा के नीचे हैं, दे आर रियली पुअर, दे बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनको फूड सिक्योरिटी का ऊपर एंड राइट टू फूड एक्ट के ऊपर ज़्यादा हक बनता है एंड नॉट टू ऑल द 65 or 70% जिसका फूड सिक्योरिटी बिल का टारगेट है। तो मैं समझता हूँ जिनको खाना चाहिए, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जो खाने खाद्यान्न को अफोर्ड नहीं कर सकता है, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उनके लिए आप ज़रूर ब्रिंग देम अंडर द एम्बिट ऑफ द राइट टू फूड एक्ट एंड नॉट द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास हु आर नॉट एक्चुअली एलिजिबल, शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस। एंड देयरफॉर जब हम 70% लोगों को इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट अभी बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि वी नीड टू इसमें जो शामिल करना चाहते हैं उन लोगों का जो संख्या है उसे कम करके, इट शुड गो टू द रियली पुअर एंड द रियली नीडी, और उनको हम जितना भी सस्ते से जो खाद्यान्न वगैरह देना चाहते हैं, I have absolutely no objection at all. I want to support it, क्योंकि फूड सब्सिडी हमारे देश में चाहिए। लेकिन आपका बिल्कुल एतराज सही है कि जो बेहद गरीब है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो गरीबी रेखा के ऊपर वाले जिसमें कि मध्य वर्ग का एक बड़ा तबका आएगा, उनको मिलना चाहिए कि नहीं, इस पर भी हम दोनों राजनीतिक पार्टियों के विचार लेंगे और आप लोगों से चर्चा आगे बढ़ेगी। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है, फूड बिल जो आएगा उसका बिल दरअसल भरेगा कौन? ये बिल भी इनडायरेक्टली शायद हम ही लोगों को भरना पड़ेगा। अभी जैसा कि जगन्नाथन साहब आपने सुना, इनकी राय थी कि एपीएल के लोगों को क्यों दिया जा रहा है, बीपीएल तक तो ठीक है, फिर सवाल ये है कि आप इसको पहुंचाएंगे कैसे और प्रोक्योरमेंट कैसा होगा, किस तरीके से होगा? आप सहमत हैं इस बात से कि एपीएल को देना दरअसल एक बहुत ही डेंजरस काम है इकोनॉमी के साथ? बहुत ही, जब आप जानते हैं कि 30 करोड़ लोग शायद इसके माने आइडियल हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, और 50 करोड़ लोग को आप 2 या 3 रुपए में अगर अनाज देना चाहते हैं तो बिल बहुत ही बड़ा होगा, जिसके लिए जैसे मित्तल साहब कह रहे थे उसके लिए आपने प्रोविजन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इस साल में रबी हार्वेस्ट जो हुआ है वो आपने 45 मिलियन टन का प्लान किया था, लेकिन अभी मिला है 25-30। अगर एक साल आपको अगर ड्राउट हो गया, आप प्रोक्योरमेंट में आपको 75 मिलियन टन की ज़रूरत है इसके लिए, इस स्कीम को अगर पैसा हो भी
आपको प्रोक्योर करने के लिए, अगर कोई भी साल में उससे कम होगा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको माने जो भी विदेशी मुद्रा लेके करना पड़ेगा, तो ये फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा फिर? आप ना सिर्फ अनाज दे पाएंगे, यहाँ पे लोकल इन्फ्लेशन होगा, आपको इतना इंपोर्ट करना पड़ेगा और रुपी 60 या 65 पे चली जाएगी। आप ये बहुत बड़ा डिजास्टर कोट कर रहे हैं। बिल्कुल जगदम्बिका पाल साहब, आपने सुना, ये दोनों इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ हैं जिनको बड़ी चिंता इस बात की है कि ये इकोनॉमी के साथ बहुत बर्बादी के काम कर सकता है, और दूसरा ये है कि प्रोक्योरमेंट करने का मैकेनिज्म और उसकी एबिलिटी भी सरकार के पास नहीं है। ऐसे में मुझे याद आता है शरद पवार साहब ने भी, हालांकि हो सकता है अभी वो इसको समर्थन दे दें पॉलिटिकल कारणों से, लेकिन वो विरोध कर चुके थे कि जब तक आप फूड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन को ठीक न कर लें तब तक कानूनी तौर पर इस प्रकार की गारंटी मत दीजिए। आपको लगता है कि ये कानूनी गारंटी देना दरअसल देश की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है पाल साहब? नहीं, ये देश हित में है। कम से कम मैंने दोनों एक्सपर्ट को सुना, पुगलिया जी आप इस बात से सहमत होंगे कि दोनों ने सिद्धांत और इस बिल की को एक तरह से स्वीकृति प्रदान की है। केवल आपत्ति क्या है, जो रंगराजन की भी जो समिति बनी थी, प्रधानमंत्री ने बनाई थी, उन्होंने भी कहा था कि लाभार्थियों का अनुपात कम किया जाए, जबकि आप इसमें जानते हैं कि इसमें हमने चिन्हित किया है कि जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने जो रिकमेंड किया था कि 75% लगभग आबादी को हम कवर करेंगे, लेकिन इसमें एक तरह से कौन सामान्य परिवार होगा और कौन सा प्राथमिकता परिवार होगा, प्राथमिकता वाले परिवार को हमने 7 किलो देने की बात की थी प्रति व्यक्ति, और जो सामान्य परिवार होगा उनको 3 किलो प्रति व्यक्ति देने की बात कही थी। ये तो एक देश की प्रगतिशीलता की निशानी है। आज अगर कहीं खाद्यान्न का को कहीं स्टेशन पे या कहीं खाद्यान्न को खुले आसमान में प्रोक्योरमेंट की कमी है, बिल्कुल इस पे तो बहस कई बार पार्लियामेंट में हो चुकी है, तो आज जितना खाद्यान्न हम हर साल कर रहे हैं ये एक साइकिल चल रहा है कि 3 साल का जो स्टॉक है उसको हम नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब आलोचना करते हैं कि इसको बांट देना चाहिए, इस बर्बादी से अच्छा है कि जो खाद्यान्न रॉटन हो रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो अब अगर आज हम उसमें अधिक संख्या में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना सस्ते दामों पर बना रहे हैं तो ये तो हमारी गवर्नेंस होगी, वेलफेयर स्टेट होगा। हम अगर कल्याणकारी राज्य में लोगों को कोई गारंटी दे सकते, अगर आज जिस तरीके से साइकिल लोग बांट रहे हैं राज्यों में, कहीं पैसा बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं या कुछ शादी के लिए दे रहे हैं, तो अगर हम भोजन का अधिकार देने जा रहे हैं और उसमें APL और BPL की एक बहस की बात क्या हो सकती है, उस खाद्यान्न को प्रॉपर्ली हम लोगों को एक भोजन की गारंटी के अधिकार पे दे रहे हैं और उसको हमने तीन वर्गों में बांटा है। देखिए उस विधेयक को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर उसका जो उद्देश्य है और उसकी जो मकसद है। बिल्कुल ठीक है, आइए समाज इस पर उसे जी इस पर हम राय देते हैं। चंद्रशेखर जी, आप डिसएग्रीमेंट में सर हिला रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं आप? जरूर, मैं समझता हूँ इसका जो बिल का मकसद बहुत सही है, अच्छा है, नेक है। जो गरीबों को अनाज सस्ते दाम में मिलना चाहिए उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उसमें कोई दो राय की बात हो नहीं सकती है। मगर मैं सवाल ये उठाना चाहता हूँ, क्या हमारा देश में और हमारा जो सिस्टम अभी है उसमें इतना क्षमता है कि वी विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट 750 लाख टन अनाज हर साल, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, क्या हम दे पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, इज वन क्वेश्चन। दूसरा सवाल है कि हमारा जो उत्पादन है, अनाज का उत्पादन भी तेजी से बढ़ना चाहिए, मगर वो तेजी से बढ़ नहीं रहा है, एग्रीकल्चर इज स्टैग्नेटिंग, और खास करके पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ सिर्फ चावल और गेहूं का उत्पादन हो रहा है, यानी इट्स कॉल्ड ग्रेन मोनोक्रॉपिंग, राइस व्हीट राइस साइकिल, इसे तो हमें तोड़ना है बिकॉज इट्स एन एनवायरमेंटली डिजास्ट्रस सिचुएशन। तब आप उसके लिए 500 करोड़ रुपया इस बजट में भी सैंक्शन हुआ है फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इस सिचुएशन में। जो हार्ड वर्क है उसको चुनने के बजाय कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार हल्के काम ले रही है, जो आसान काम है। सुधांशु जी, आपने सुना, मैं जगदम्बिका पाल साहब की वकालत करना चाहूंगा, हमारे यहाँ के दोनों मेहमान और आप भी कहते हैं कि सिद्धांत रूप में बिल्कुल ठीक है, अब जो आपके रिजर्वेशन है वो तो सिर्फ पॉलिटिकल नंबर लूज करने के कारण बीजेपी बोल रही है, अब ये तो ऑर्डिनेंस लाएंगे, सपोर्ट कर दीजिए, आप इनके बराबर के पार्टनर बन जाइए।
मैंने आपसे कहा ना कि जहां तक नीति का सवाल है उसके बारे में तो कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता ना। एक वेलफेयर स्टेट अगर हमने अडॉप्ट करा है अपने आप को, तो वेलफेयर स्टेट में हमारे जनता को खाद्य पदार्थ मिले, वो भूखी जनता ना रहे और मेल न्यूट्रिशियस खाना ना मिले उसको, ये तो उसका राइट है, वेलफेयर स्टेट का तो ये हक है, ये वो तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है देखिए, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, एक होती है वोट बैंक इकोनॉमिक्स। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए वोट बैंक इकोनॉमिक्स ना करिए, अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो छत्तीसगढ़ का जो हमारा बिल है जिसमें सारे प्रोविजन है, देखिए क्या है वहां पे, कौन आइडेंटिफिकेशन जो है उसका पूरा प्रोसेस दे रखा है, ग्रीवेंसेस का पूरा प्रोसेस दे रखा है, पीडीएस रिफॉर्म्स का पूरा प्रोसेस दे रखा है, उन्होंने पूरा प्रोसेस दे रखा है कि भाई आईटी को इसमें यूज कैसे करना है। ये जो बिल इन्होंने लेके आए हैं इनमें ये सब कुछ नहीं है। होगा क्या, अच्छा देखिए इस बिल के तहत क्या है कि जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है कि वो राज्य सरकार को सारा खाद्य पदार्थ मुहैया करवाएगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सामर्थ्य है क्या सारे देश का खाद्य पदार्थ को जो है इकट्ठा करके राज्यों को मुहैया करवाने का, उनका सामर्थ्य है क्या? फिर लिखा अगर नहीं होगा तो पैसा देगी ऑन अ प्री डिटरमिन्ड रेट एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। इसका जो इंप्लीमेंटेशनल मैकेनिज्म है वो आज भी वर्कआउट नहीं हुआ हुआ है। पहले वो करिए, पहले व्यवस्था का जो बैकएंड है जिस तरह इसको आप सुचारू रूप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको, उसकी डिटेल वर्कआउट करिए, तब कहीं जाके कोई लगेगा ना कि हम लोग वाकई कोई चीज जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम वाकई देश के भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये अगर आप इस तरह से बिना तैयारी करे हुए सिर्फ पॉइंट स्कोर करने के लिए, एक राजनीति में वोट बैंक इकोनॉमिक्स करने के लिए अगर आप ये करेंगे तो ठीक नहीं है। आपका ये पॉइंट सही है और इसका जवाब हम जगदम्बिका पाल जी से लेना चाहेंगे। बिल्कुल उनसे ये जवाब लिया जाएगा कि महान इरादे तो हैं लेकिन उसको लागू करने का मैकेनिज्म आपके पास है कि नहीं। एक चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज पर हम चर्चा कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी बिल अगर आएगा तो उसके पॉलिटिकल और आर्थिक नतीजे क्या होंगे। जगदम्बिका पाल साहब, अब आपसे यह सवाल है, आपने मेहमानों की सबकी राय सुनी है, दरअसल इरादा बहुत अच्छा है लेकिन बगैर तैयारी के लागू करने से ही दिखता है कि सिर्फ पॉलिटिकल इरादे हैं आपके। नहीं, पूरी तैयारी, अगर आप बिल पढ़े पुगलिया जी तो आप देखेंगे सब स्पष्ट है। उन परिवारों का आइडेंटिफिकेशन राज्य का दायित्व है। ये बिल जो हम ला रहे हैं इसमें ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार श्रेय लेना चाहती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के उस प्राथमिकता के परिवार हों चाहे सामान्य परिवार, उनको आइडेंटिफाई करेगी, नंबर डिसाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी जो जिम्मेदारी है वो सारी तैयारी है और मैं समझता हूँ इसमें राज्य का भी एक दायित्व रहेगा। लेकिन बस वही सुधांशु जी को लगता है कि चुनाव है, आखिर इस बात को अगर ये कह रहे हैं कि साहब पैसे का प्राविधान नहीं, तो हम कह रहे हैं इस बिल को सपोर्ट कर दें, पास हो जाने दें, अभी एक साल चुनाव है, अगर हम इस के लिए व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो इसका नुकसान तो हमें होगा कि अगर 2,00,000 करोड़ या 750 मिलियन मतलब कहाँ से खाद्यान्न आएगा। ऐसे ही तो जब हम राइट टू वर्क की बात कर रहे थे, 5 करोड़ किसानों को जब हम 72,000 करोड़ जब हमने कर्जा माफी किया तब भी कह रहे थे कि कहाँ बजट में प्रोविजन है। तो आखिर जब हमने इसके पहले इसके पैसे का इंतजाम आप कर लेंगे। बिल्कुल, आइए इस पर हम, सुधांशु जी अगर मैं एक शरारती रिपोर्टर के तौर पर इसको इंटरप्रेट करूं जगदम्बिका जी के बातचीत को, तो ये कह सकता हूं कि लगता है चिदंबरम साहब ने इनको कह दिया है कि आप कर लीजिए, पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं कहीं से भी ला दूंगा, तो इनके पास तैयारी है। ये उल्टा मामला है, क्या है इनको पता है कि 6 महीने बाद जाने वाले, इन्होंने कह दिया समस्या तो हम क्रिएट कर देते, भुगतते रहिएगा आप, इस तरह नहीं होता है। दूसरा, इन्हीं के एक आंकड़े देना चाहता हूं मैं। 2004 में ऑफटेक थी 29 मिलियन टन्स की और जो नीचे तक पहुंचा सिर्फ 46% पहुंचा। 2010 की ये बात कर रहे हैं, 2010 में जो ऑफटेक थी वो थी 46 मिलियन टन्स, पहुंचा कितना 54% पहुंचा। अरे अभी आपके पीडीएस में अभी तक तो कंट्रोल कर नहीं पाए आप, और आप जो है इतनी बड़ी जो अच्छा ये तो क्या था, कितना परसेंट कवरेज थी, इतनी बड़ी स्कीम आप लेके आना चाहते हैं, बड़ी स्कीम आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं बिना तैयारी, राज्य सरकार होगा
वोट बैंक इकोनॉमिक्स ना करिए, राज्य का विषय है, वोट बैंक इकोनॉमिक्स ना करिए, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए माफ करिएगा, यहाँ पर चलते चलते दो कमेंट हम अपने इंडिपेंडेंट विशेषज्ञों का लेना चाहेंगे। पहला सवाल आपसे होगा चंद्रशेखर जी, एज अ कंक्लूजन पॉइंट आपका क्या कहना है कि इस बिल को लागू हो जाने में सबसे बड़ा खतरा क्या है, किधर आप चैलेंज के तौर पर इशारा करना चाहेंगे? इसमें चार चीज के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसमें क्लैरिटी कम है। एक है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोक्यूरमेंट और यानी हमारा देश का और FCI का क्षमता, कैपेसिटी टू प्रोक्योर, एंड तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, क्या हमारे पास है कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा है फिनांस, दैट द फिस्कल पार्ट ऑफ इट। तो ये चारों में क्लैरिटी कम है और हमें ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। इसमें जितना भी बहस हो सकता है होना चाहिए, पीपल शुड बी ओपन टू डिबेट, डिस्कस एंड ब्रिंग इट टू अ वेरी लॉजिकल कंक्लूजन। मगर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, यस फूड सिक्योरिटी इज अ गुड थॉट, एम्बिशियस थॉट, और गरीब लोगों को खाना मिलना चाहिए। जग्गी, आपका निष्कर्ष, एक ही साथ दो सवाल पूछना चाहूंगा कि सबको सब इलाकों में खाना देने की ये योजना, और प्लस जो कांग्रेस की स्थिति है, ओवरऑल स्थिति, उसमें क्या इसका इलेक्टोरल एडवांटेज इनको मिल पाएगा? देखिए, अगर आप फूड सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो सारे देश में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 30 करोड़ चाहिए उन्हें चीप अनाज, आप 80 करोड़ को देंगे। और दूसरी बात यह है, फूड सिक्योरिटी ग्राउंड अप होना चाहिए, यानी जहाँ पे फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ स्कीम बनाना चाहिए। आप दिल्ली में बना के नागपुर में नहीं बेच सकते, इसलिए उससे आपको ज़्यादा कॉस्ट होगा और फूड सिक्योरिटी जेन्युइन नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं तो राज्य सरकारों को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकार हैं जो ऐसे लागू कर चुके हैं, वो बेनिफिट ले लेंगे, और कांग्रेस को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, जहाँ पे उनको ऑलरेडी सरकार है वहाँ थोड़ा। क्या इस आधार पर UPA 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, इससे अलग अलग बेनिफिट नहीं बनने वाला है, क्योंकि आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, अभी ये इनडायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है। सवाल सिर्फ अमल पर खड़े नहीं होते, सवाल इस पर भी खड़े होते हैं जिसका जिक्र आप लोगों ने अभी किया कि ये वोटों में तब्दील होगा कि नहीं, ये चर्चा जारी रहेगी, लंबी बहस होने वाली है इस पर। जब ये अध्यादेश बनाम स्पेशल सेशन में बिल बहस के साथ पास कराने का मसला आएगा। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, नमस्कार।